कैसोनिल, जी हाँ रेक्स की कैसोनिल, मैदे जिगर से रोग हटाए, आंतों को मजबूत बनाए, गैस अफारा दूर भगाए, रेक्स की कैसोनिल टेबलेट्स और सीरम। पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी और दक्षिणपंथी संगठनों पर लगातार हमला बोल रहे बॉलीवुड फिल्म में विलेन की भूमिका में नजर आने वाले दक्षिण भारत के मशहूर अभिनेता प्रकाश राज ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को हिंदू नहीं मानते। मोदी और शाह पर निशाना साधते हुए राज ने कहा कि वो कहते हैं कि मैं हिंदू विरोधी हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, दरअसल मैं मोदी विरोधी हूँ, हेगड़े विरोधी, अमित शाह विरोधी हूँ, वह हिंदू नहीं है। न्यूज़ एजेंसी भाषा के मुताबिक गुरुवार को हैदराबाद में इंडिया टुडे के कार्यक्रम इंडिया टुडे कंक्लेव साउथ में प्रकाश राज ने बीजेपी नेतृत्व के साथ ही केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े को भी निशाने पर लिया। राज ने कहा कि एक वाद एक धर्म को धरती से खत्म करने की बात करने वाले अनंत कुमार हेगड़े हिंदू नहीं हो सकते, हत्या का पक्ष लेने वाला व्यक्ति हिंदू नहीं हो सकता। इस दौरान प्रकाश राज ने फिल्म पद्मावत की रिलीज को प्रतिबंधित करने वाली राज्य सरकारों और इसका विरोध कर रहे संगठनों पर भी निशाना साधा। हालांकि कार्यक्रम के दौरान जब प्रकाश राज मोदी और शाह पर बरस रहे थे, बीजेपी प्रवक्ता ने अपनी आपत्ति जाहिर की। बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब प्रकाश राज ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। इससे पहले राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को बराबर बताने पर अभिनेता प्रकाश राज ने केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े को आड़े हाथों लिया था। ट्वीट के जरिए राज ने कर्नाटक के बीजेपी नेता से ये साफ करने को कहा कि जब वो कहते हैं कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व एक है और उसका अर्थ समान है तो वो क्या कहना चाहते हैं। हेगड़े पर निशाना साधते हुए प्रकाश राज ने लिखा था, और मेरे जैसे लोगों का क्या जिनका कोई धर्म नहीं है, लेकिन जो मानवता में विश्वास रखते हैं, क्या हम सब अपने देश के नागरिक नहीं हैं? आप लोग कौन हैं? आपका एजेंडा क्या है? चूंकि आप जन्मों में विश्वास रखते हैं, क्या आप लोग जर्मन हिटलर का अवतार हैं?